press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सर्कल। दोस्तों, रेलवे भर्ती की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आरपीएफ भर्ती में एक बार फिर से 9000 पदों की बम्पर भर्ती होने वाली है, जिसमें के फीमेल के स्पेशल 4500 पद आएंगे। दोस्तों, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये भर्ती में कितनी सच्चाई है और क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा। दोस्तों, ये अमर उजाला अखबार आज का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डेट आपको दिखाना चाहेंगे, 29 जून की ये लेटेस्ट आपकी खबर है। और यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट पेज में ही ये दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। हम जूम करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हैं, मेन हेडिंग है आरपीएफ 4500 महिलाओं की भर्ती होगी। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर पढ़ के सुनाते हैं, नई दिल्ली की न्यूज है। दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल में खाली पड़े कांस्टेबल पदों में 50% पर महिलाओं की भर्ती होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को सदन में बताया कि सरकार ने फैसला किया है कि 9000 खाली पदों में 4500 पर महिलाओं को रखा जाएगा। अभी आरपीएफ में कुल 2.25% महिला कांस्टेबल हैं। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ में इस समय टोटल जो 9000 पद खाली पड़े हैं, यानी एक बार फिर से आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आरपीएफ में महिलाओं को बिहार सरकार की तरह 35% आरक्षण देने के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि केंद्र के लिए यह आरक्षण तय नहीं किया गया है, राज्यों में इसका पालन होना है। आरपीएफ रेलवे के ढांचे की सुरक्षा करती है और केंद्र के तहत आती है, जबकि जीआरपी कानून व्यवस्था को देखती है। महिला कांस्टेबलों को वाकी टाकी देने पर गोयल ने कहा कि विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बहुत जल्द ये भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें कि 4500 पुरुषों के और 4500 महिलाओं के पद आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नॉलेज सर्कल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलते रहें। नॉलेज सर्कल ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।